ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलेंगे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल फेज वन का उद्घाटन करने पहुंचे उड्डयन विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हुए हैं, जहां अब उद्घाटन किया जाएगा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल फेज वन का। आपको बता दें कि 250 करोड़ रुपए की लागत से ये एयरपोर्ट का टर्मिनल फेज वन बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन आज विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें 250 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट का टर्मिनल फेज वन बनकर तैयार हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की, जहां विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद है। कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का टर्मिनल फेज वन का आज उद्घाटन है। लगभग 250 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। नागरिकों के लिए, यहां के नागरिकों के लिए एक अच्छी सुविधा होगी, जहां उन्हें सस्ती सेवाएं मिलेंगी इस एयरपोर्ट के उद्घाटन होने के बाद। अब सफर करने वाले यात्रियों को सस्ती सेवाएं मुहैया होंगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आज उद्घाटन है, जिसमें विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए हैं, वो उद्घाटन करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की। ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका शुभारंभ कर रहे हैं। इसके बाद सफर करने वालों को सस्ती सेवाएं मिलेंगी। देहरादून हल्द्वानी पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा फिर से शुरू हो जाएंगी, बहाल हो जाएंगी। डेढ़ साल से बंद था देहरादून का एक एयरपोर्ट। ज्योतिराज सिंधिया के साथ सीएम धामी भी इसमें मौजूद हैं।